आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। नारसिंह महाराज के सानद में चली श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने व्यास महाराज से आशीर्वाद लिया। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नारसिंह महाराज के सानद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। उनके साथ लाहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, राजीव मोहल्ला एवं लाहार जनपद पंचायत के विधायक प्रतिनिधि मानमेन सिंह मोंटी राजावत जनपद पंचायत लाहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने आचार्य श्री पंडित श्री मिथिलेश महाराज से आशीर्वाद लिया। सी तस्वीर आपकी जनता पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मोरावली धाम में चल रही कथा में पहुंचे लाहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, राजीव मोहल्ला ने आशीर्वाद लिया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाशंकर सिंह चौधरी ने भी आशीर्वाद लिया। सी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर हम आपको मोरावली धाम में नारसिंह महाराज में चली श्रीमद् भागवत कथा की दिखा रहे हैं, जहां पर पारिषद के रूप में श्री लाखन सिंह कौरव ने आज समापन अवसर पर आचार्य श्री मिथिलेश दास महाराज जी को बेला सौंप करके उनसे आशीर्वाद लिया। और प्रतिकूलता एक वो अनुभूति है जो नापसंद चीजों में होती है। अगर हमारे जीवन में आदत बन जाए कि हम किसी को पसंद ना करें, तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, ना किसी की बात पसंद आए, ना किसी का रहन सहन पसंद आए, ना किसी का खाना पीना पसंद आए, ना किसी का सत्य बैठना उठना पसंद आए, तो जीवन पूरा विपरीत स्थितियों में रह जाए। और विपरीत स्थितियों में क्या होगा, जीवन दुख का कारण बनता है। सुख बनता है अनुकूलता में, और अनुकूलता बनती है स्वीकारता में। आपको पसंद आए, किसी का उठना बैठना आपको पसंद आए, तो आप कह सकते हैं कि भाई है तो दूसरे गांव का आदमी, पर हमें पसंद बहुत है। जब ये मिलता है तो लगता है अपना कोई मिल गया, ऐसा भाव बनता है। यही सत्तम का परिणाम है। तो किसी क्षेत्र का हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे धर्म क्षेत्र का हो, चाहे किसी पक्ष का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, अनुकूलता में सुख है और प्रतिकूलता में दुख है। और ये दोनों ही मान्यताएं हैं। अनुकूलता भी एक मान्यता है और प्रतिकूलता भी एक मान्यता है, और ये मान्यताएं परिष्कृत होती है सत्संग से। हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल देख सकते हैं अगर सत्संग जीवन में आ गए तो। प्रतिकूल को भी अनुकूल देखें, शंकर जी के परिवार को देखो, राम जी के चरित्र को देखो, कृष्ण भगवान की जरूरत जो कथा सागर है इसमें सब कुछ होता है। साथियों की यात्रा, एक गायक ब्राह्मण को दी, गायक ब्रज ने वो काम करते थे, बहुत को दान किया। भागवत में लिखा है कितनी गाय दान की थी राजा नल ने, असंख्य गाय दान की थी, और उनसे भी गलती हो गई। अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय लाहार में नारसिंह महाराज के दरबार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष और लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने अभी कुछ ही समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था, और आज मोरावली में उन्होंने काफी देर तक भागवत कथा सुनी है। भागवत कथा से हमें क्या मिलता है? गांव मोरावली में गांव वासियों ने मिलकर पुनीत कार धार्मिक कार चलाया है, जिसमें भागवत कथा का श्रवण आम जनता को महाराज जी द्वारा प्रवचन देकर पूरे निरोग होना, सुखू होना, इसका मार्गदर्शन दिया है। अगर लोग सब मिलके भाईचारे के साथ रहेंगे तो समाज में कल्याण होगा, क्षेत्र का विकास होगा, गांव में भाईचारा बढ़ेगा, और अच्छे कार्यों के लोग प्रति लोगों की भावना बनेगी। जन प्रतिनिधियों को भी कथा सुनना चाहिए, जैसा कि महाराज जी ने कहा, जिसकी श्रद्धा है, जिस धर्म हो, जन प्रतिनिधि आम नागरिक का सबका कर्तव्य है, जिसके जिस धर्म में आस्था है उस धर्म का पूरी ईमानदारी के साथ उसका श्रवण करना चाहिए, उसके विचार में उसकी बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। वो आलमपुर लाहार बुंदेलखंड की बहुत पवित्र धरतियों में मानी जाती है, और इस बात का गौरव है, यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का जो समाज है, वो धार्मिकता से ओतप्रोत, और इस मंदिर पर तो मैं ये समझता हूँ कि इस गांव के लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था है, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो निर्माण कार्य के रूप में इसमें अलग अलग मैं भवन बने हुए देखता हूँ,
मुझे तो अभी इस बात की भी जानकारी हुई है कि इस मंदिर की समिति ने करीब करीब 16 बीघा जमीन नए तरीके से खरीद भी ली है, तो मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूँ। दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ और आज के मौके पर 7 दिन जिनके आयोजन में इस कथा का आयोजन हुआ है, मुख्य रूप से पारिषद के रूप में श्रीमती रमा लाखन सिंह कौरव के द्वारा मुरावली धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और आज समापन के मौके पर हम उनसे बात करेंगे। आपने नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में जो संकल्प लिया था, क्या कहना है आपका? अरे सरकार उनकी प्रेरणा की प्रेरणा और इच्छा भी थी अपनी के कराना है कथा काफी दिनों से जी। तो उनकी कृपा भाई उनने पंडित जी को हमें संदेश दिया महाराज ने के अमुक पंडित जी को करना है, तो हमने उनको फोन किया, महाराज जी आ गए, उन्होंने कथा सुनाई सरकार को। बस 7 दिन कार्यक्रम चला, आप भी विशेष सहयोग में रहे और आपको धन्यवाद। आप भी ग्रामीण विकास अधिकारी रहे हैं उसमें, आपने लंबे समय तक शासन की भी सेवा की है और अब गांव की सेवा कर रहे हैं, तो कैसा भाव रहता है? हमने सर क्या हुआ कि हमने सरकार दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में 2 वर्ष कार्य किया, प्रशंसनीय पत्र मिला, उन्हें हमको कृषि मंत्री थे उसी समय श्रीमान जी ने हमारा ट्रांसफर घर पर कर दिया, तो 32 साल सेवा हमने एक ही गांव में की है। देवरी में आ गए थे तो वहीं पर 32 साल सेवा की और ईमानदारी से की, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, नरसिंह महाराज की कृपा से बड़ी ये सफल रहा। अच्छा। और सब कार्य। अच्छा कौरव जी, आप बताइए यहाँ पर ऐसा क्या है कि शुद्ध देसी घी का भंडारा चलता है यहाँ? वो सरकार की पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है नरसिंह महाराज की, यहाँ शुद्ध घी ही मानते हैं, और किसी अगर किसी ने वो कर दिया डालडा या तेल कर दिया तो वे पुनः दोबारा घी के करा लेते हैं जब मानते हैं। हाँ सरकार की कृपा ही अलग है, काफी पीढ़ियों से छल कपट नहीं चल पाते। या छल कपट को तो ना ही नहीं ग्राउंड के अंदर छल कपट को करे ही नहीं फिर सरकार श्रीमान जी बिल्कुल छल कपट नहीं करे बिल्कुल। तो ये नारसिंह महाराज का ऐसा ही दिव्य दरबार है कि यहाँ पर छल कपट काम नहीं आता है और शुद्ध देसी घी का ही भंडारा स्वीकार किया जाता है, और यदि आपने किसी तरीके से मिक्स भी कर दिया तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में रिटायर्ड रहे हमारे बीच में लाखन सिंह कौरव ने कहा संकल्प था कि हम नारसिंह महाराज की को कथा सुनाएंगे, और इसी संकल्प लेकर आज यहाँ पर पंडित श्री मिथिलेश दास महाराज की कथा चल रही थी। 7 दिन भारी संख्या में भीड़ रही, जनता ने यहाँ को सुना और सभी लोगों ने अपना पूरा सहयोग किया, इसके लिए आभार व्यक्त भी करते हैं। सभी गाँव के लोगों ने विशेष सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया जिससे सब कार्यक्रम सफल हो गया। नरसिंह महाराज की कृपा से सभी गाँव वालों की रिश्तेदारों की आस पास की जनता सब अपने मित्र लोग हैं आसपास के सभी तो सबने साथ दिया के लिए और मुरावली धाम के भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश यही है कि धाम गांव ये बड़ा अच्छा है और इस गांव में भगवान कृपा है, एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहां दीन दुखियों के दुख दूर होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। इसी प्रकार से स्थान के गरिमा के अनुसार गाँव के लोग सेवा करते रहें, विद्वानों को बुलाते रहें, सत्संग होता रहे, गाँव का वातावरण धार्मिक रहे, सब एक दूसरे से प्रेम से रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, बस यही कामना है।